बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है एंजाइना की भी, हार्ट की भी, और इसके अलावा आपने देखा हमारे सारस भी है, वो भी बता के चले गए अपनी एक जो है अच्छी सी रेसिपी। लेकिन आप जो है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कॉलर हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जो है ना, वो वैसे संडे को देर तक सोई रहती हूँ, मैंने अलार्म लगाया होता है आपका प्रोग्राम देखने के लिए, और मैं चाहती हूँ। सो नाइस ऑफ यू, आपने इतनी अच्छी बात कर दी सुबह सुबह। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जी, और इस प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। और मैंने ये बताना था कि मेरी भी हार्ट बर्निंग बहुत होती है, तो मैं ग्लूकोन वगैरह भी पीती हूँ और फेनन सीड वगैरह भी खाती हूँ जो टोटके होते हैं जी। लेकिन मेरी बहुत हार्ट बर्निंग होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब के पास जाएं तो वो बोलते हैं आप अभी बड़ी यंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल की गोली दे देते हैं, कभी ग्लूकोन सिरप दे देते हैं, तो स्टिल मेरी हार्ट बर्निंग बहुत होती है जी। तो ये मैं पूछना चाहती थी कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर को बोलना चाहिए, कि क्या किस तरह वो मेरा चेकअप करें जी। थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे हमारे यूके में ना, जो 70 साल का भी हो तो उसको यंग ही कहते हैं, तो ये जरा याद रखें आप, क्योंकि वाकई ये यंग बहुत सारे मैंने देखे हैं कि असल जिंदगी तो रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है। तो लोग फिर वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं, क्रूजेज लेते हैं। अब एक मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई, वो 87 ईयर ओल्ड थी, मैं कभी नहीं भूलता उन्हें, और वो ट्रेडमिल टेस्ट के लिए जो था वो किसी ने रेफर कर दिया। अच्छा। मैंने उनकी एज देखी तो मैंने कहा कि भाई सॉरी, मैं 80 से ऊपर को अलाउ नहीं करता इस ट्रेडमिल पे चलने के लिए। तो वो उनके हस्बैंड साथ बैठे थे, वो अबाउट 89 के थे, तो वो कहने लगे शी विल डेफिनेटली हैव अ गो, और वो 7.5 मिनट चली, आज तक नहीं भूला कभी। तो देखिए एक तो ये हमारी जो हमारी कम्युनिटी में, एक तो पहले यंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा हमें अपना सेट करना पड़ेगा, और आप बाकी आपके जो सिम्टम्स हैं, सॉरी जरा बाकी व्यूअर्स के लिए मैंने ये बात शेयर कर दी। तो आपको अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो फिर आपकी माशाल्लाह कितनी एज है जी इस वक्त? वो तो चली गई है। अच्छा चले, मैं इनको एक्सप्लेन करता। देखें सबसे पहले तो ये देखें कि आपके बाकी रिस्क फैक्टर, मुझे आपकी बातों से अंदाजा ये हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल को भी नज़र रखी हुई है जीपी ने, और आपके ब्लड प्रेशर भी शायद उस पर नज़र रखी हुई है। अब ये नहीं पता चल सका कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपकी कुछ स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे एशियन लोग भी स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज़रा सुन रही हैं तो इस पे गौर करें। और कई दफ़ा क्या होता है कि जो अगर तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास अभी तक नहीं भेजा गया है तो वो सबसे पहला स्टेप होगा। अभी आपकी जो सिम्टम्स हैं उसमें अगर आपकी एंडोस्कोपी हो जाए या और मुआयना हो जाए, तो उसके बाद भी अभी फिर भी वो हमें पता चले कि आपको कुछ हो रहा है, जो आपकी बातों से तो यही अंदाज़ा हुआ है कि हार्ट बर्न हो रहा है, तो आपको फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी रेफर हो जाना चाहिए। और आजकल हमारे पास बहुत सारे नॉन इन्वेसिव टेस्ट हम बोलते हैं, जिसमें कि हम एंजियोग्राम तक पहुंचने से पहले बहुत सारी मालूमात ले लेते हैं, जिसमें कुछ एकोस होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, तो वो आपका एक दफ़ा चेकअप हो जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको शक तो कम से कम ख़त्म हो ना जी। अगर वो सब कुछ क्लियर इनका हो जाए तो फिर खाने में कुछ आप ऐसे क्विक एक दो चीज़ें बताइए। बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा होता है वो एक फूड डायरी रखें, क्योंकि कई लोगों को लगता है नहीं दूध पीने से ये काम डाउन हो जाएगा, लेकिन कई लोगों को दूध से ही ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी खुद की डायरी रखें और देखें कौन कौन से फूड खाने से आपको ज़्यादा हार्ट बर्न होती है। अच्छा एक और कॉलर है, हेलो। वालेकुम सलाम सैयद साहब, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग, आज मुझे कुछ डॉक्टर साहब के एक्सप्लेनेशन से ये तो समझ में आया कि दिल के जलने का सबब याद आया, लेकिन जो दिल की धड़कन है जिसको शायद पल्पिटेशन कहा जाता है और फैम में, जरा सी थोड़ी सी रोशनी उस पर डालिएगा कि ये पल्पिटेशन आखिर में चीज होती क्या है। और एक सवाल मैं उनसे बनी से पूछूंगा कि जो टिन्स में मछलियाँ आती हैं जैसे सार्डिन वगैरह हैं जो आपने जिक्र किया, उसकी स्मेल को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो खुलती है उसके बाद वो फिर उसकी स्मेल से तूफान आ जाता है। अच्छा जी।
जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हमेशा आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं सैयद साहब, थैंक यू सो मच। और मैडम नूर जहां की याद दिला दी, उन्होंने कहते हैं दिल धड़कने का सबब याद है, लेकिन दिल जलने का सबब याद है। तो ये देखें, ये दिल जलना और धड़कना दोनों बड़ी मिलती जुलती चीजें हैं। कुछ लोगों का दिल धड़कता है तो उनको जलन भी होती है, और कुछ लोगों का जब जलन होती है तो धड़कता तो है ही। तो खैर ये मामला बड़ा नाजुक, आप हमेशा छेड़ते हैं। और ये पैल्पिटेशन भी धड़कने का ही नाम है जी। और ये आपको अगर मैडम का गाना सुन के किसी का धड़कता है तो बड़ी बात है। तो वो क्या है कि उसमें पैल्पिटेशन की बड़ी लंबी डेफिनेशन है, कहने को ये लफ्ज है पैल्पिटेशन। उसमें देखें हमारे हार्ट के चार चेंबर्स होते हैं। अब जरा मैं साइंटिफिक बात करने लगा हूँ। दो वेंट्रिकल्स, दो एट्रिया, और अगर उसमें हम ये देखते हैं, हम 24 आवर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हार्ट बीट की, और फिर हम उसमें से ये देख लेते हैं कि एट्रिया की तरफ से गड़बड़ आ रही है या कि वेंट्रिकल की तरफ से आ रही है। तो वेंट्रिकल एक टॉपिक्स आ रही हैं या एट्रियल आ रही हैं। तो जो बहुत कॉमन कॉज ऑफ पैल्पिटेशंस यूके में एल्डरली एज ग्रुप में आती है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन, और उसको कई दफ़ा पैरोक्सिज्मल होती है कि थोड़े से शॉर्ट बर्स्ट आते हैं, 8-10 बीट्स आई फिर नॉर्मल हो गया। तो ये इसको फिर डायग्नोज करना पड़ता है। और फिर हमेशा हम थायराइड ग्लैंड को तो कभी भूलते ही नहीं, तो थायराइड अगर थोड़ा बहुत वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो साथ ही फिर अगर कोई एल्डरली है तो उनमें हम फिर कॉरोनरी आर्टरीज को भी देखते हैं कि उसमें कोई उसकी कॉज क्या है, इटियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसकी कॉज क्या है। तो फिर हम कॉज को ट्रीट करते हैं, सिम्टम तो फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। तो ये पैल्पिटेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए आजकल हमारे एक पूरी सब स्पेशलिटी है कार्डियोलॉजी में जिनको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो फिर यहाँ तक बात मामला पहुँच जाता है कुछ लोगों का कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो फिर हम उनके लिए एबलेशंस तक बात पहुँचती है। और सो मच सो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी भी एक एबलेशन करनी पड़ गई थी। तो ये फिर मामला तो वहां तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, इस पे तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है पैल्पिटेशंस को। अब मैंने तो सिर्फ एक बिल्कुल आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है, और मेरा ख्याल है मैं शायद इसको यहीं पे रोकता हूँ और फिर सार्डिन्स की बात करता हूँ। He'll get carried away naturally, as usual. आपने बात की जो स्मेल की मच्छी बनाने के लिए, it is obviously very smelly, लेकिन what I found कि अगर आप जब भी oilish fish बनाए, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू lemon juice थोड़ा सा निचोड़ दें, थोड़े से garlic के पीस मच्छी में के साथ रखें, और वो मच्छी को फॉइल में बंद करके अवन में रख दें, तो वो जो स्मेल होती है वो उसमें ही रहती है, इतनी गर्मी नहीं फैलती। लेकिन द गुड थिंग इज जो सब न्यूट्रिशन होती है वो वैसे ही रहती है। क्योंकि हमारे घरों में हमको आदत है कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं हम कुकर पे बनाते हैं, फ्राई कर लेते हैं या उसको करी में बना दें, लेकिन अगर हम फॉइल में जैसे पार्सल बना के उसको बेक कर लें तो वो स्मेल वैसे ही रहती है। अवन में होगी स्मेल लेकिन घर में नहीं इतनी जाएगी। लेकिन नींबू विनेगर हो, नींबू हो, लहसुन हो, ऐसी चीजें इफ यू ट्राई मैरिनेट वो मच्छी, देन इट बी मच इजियर। हाँ, जैसे आप बाजार से लेकर आए उसी वक्त अगर लगा के भी रख देना जी हाँ फ्रिज में एक दो दिन के लिए तो भी इसकी खत्म हो जाती है बिल्कुल। एंड आल्सो जो मसाले वगैरह होते हैं वो भी हम लाते हैं एनीवे, और उनकी अपनी बहुत सोनी अच्छी खुशबू आती है। सो जैसे सारस जो है धनिया बहुत यूज करते हैं, ऐसी चीजें आप जब बन जाए ऊपर डाल दें तो उसकी भी स्मेल जो मच्छी की स्मेल होती है उसको वो कम कर देती है, कैमोफ्लेज कर देती है ना। ठीक है, चलें तो ये तो हो गया। और लेकिन अभी जिस तरह अगर कोई भी और मेरा ख्याल अगर हमारे कॉलर हैं यहाँ पर क्या तो, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं, ये एब्लेशन तक पहुंचे थे तो पेस मेकर्स की भी आपने बताई। हाँ बताइए वो क्या है। वो ये कि देखें जो 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 एट्रियल फिब्रिलेशन की जो बात हो रही थी, तो ये फिब्रिलेशन का मतलब ये है, मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे सोल्जर्स मार्च करते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि कितने खूबसूरत वो परेड कर रहे होते हैं ना, रिदम तो, से रिदम के साथ। तो अगर उनमें से एक आध बंदा जो है बेचारा वो थका हुआ हो और उससे सही वो परेड ना हो तो आप दूर से स्पॉट कर लेते हैं उसे। तो हार्ट का भी रिदम अगर रेगुलर ना हो और उसमें कोई गड़बड़ हो तो हम दूर से स्पॉट कर लेते हैं। क्या एग्जांपल दिया आपने, तो उससे फिर क्या होता है कि वो फिर हम उसको फर्दर उसको बाहर निकाल लेते हैं कि तुम तो निकलो ना बाहर, बाकियों को काम करने दो। तो उसको फिर हम ट्रीट करते हैं।
तो वो फिर हम 24 आवर 48 आवर्स और इस तरह हमारे पास आजकल बड़े एक्सटेंडेड मॉनिटरिंग हम करते हैं. कुछ छोटे से ऐसे हम चिप की तरह होती है वो भी हम चेस्ट में लगा देते हैं. और अच्छा तो और फिर सॉरी जो जो फाइनल बात इसको कंक्लूड करते हुए कि जो हमारे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त एक सब स्पेशलिटी है आजकल. और फिर पेसमेकर तक भी बात पहुंच जाती है, कुछ पेशेंट्स को फिर जाके पेसमेकर्स की भी जरूरत पड़ती है. अच्छा चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं. हेलो जी, सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. यासीन कुरैशी, मैंने पहले तो ये पूछना था कि आप परसों रात को यानी के लेट फ्राइडे को यही प्रोग्राम हो रहा था लेकिन उसमें नंबर नहीं आ रहा था, एम आई राइट? मेरे ख्याल वो रिपीट होगा. जी रिपीट होता है इसका. वो पिछली दफा का रिपीट हो रहा होगा ना, क्योंकि जी, ये जी, तो फ्रेश है, बिल्कुल लाइव वो इस वक्त हो रहा है. जी हाँ नहीं दो, हाँ ये आज सिर्फ लाइव होता है जिसमें हम आपकी कॉल्स लेते हैं, लेकिन एक आध बार वीक में वो है रिपीट होता है. ठीक है ठीक है, वो फ्राइडे ये डॉक्टर साहब बैठे हुए थे उसमें भी. अच्छा मैंने वो आपको याद होगा तो दिस इज माई थर्ड कॉल रिगार्डिंग द सेम इशू. जो मैं बता रहा था कि सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और उसमें उंगलियां और वो वाइट हो जाते हैं. फिर आपने नंबर लेके तो कहा था somebody will call me back which we did call you but you were not there. नहीं somebody did call yeah. तो मैंने वो बात की तो वो यही बताया था कि 45-46 years एज है और सर्दी के अंदर बहुत सर्दी लगती है, बहुत ही ज्यादा. सारे टेस्ट करवा चुके हैं और उंगलियां जो है ना ये जरा सा ठंडा पानी लगता है तो एकदम से वाइट हो जाती हैं. और इससे तो क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या इसकी रीजन कुछ बता सकते हैं डॉक्टर? आप क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं और आप ऑन यानी मुझे लाइव ही रखें, अगर मैंने कोई उन्होंने कुछ पूछना हुआ तो मैं पूछ लूं ताकि ये ड्रॉप हो गया फिर मैं. हाँ नहीं लाइव रखेंगे आपसे ये पूछते हैं जो है ना डॉक्टर साहब. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. सबसे पहले तो मैं मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और क्योंकि जो लग रहा है मुझे आप काफी एंग्शियस हैं कि इन्होंने कई दफा फोन किया तो प्लीज आप एग्जैक्टली के ये 2-3 दफा हमारे पीछे मतलब ये मालूमात लेना चाह रहे हैं. तो देखिए उसमें आप स्मोकर तो नहीं थे कभी अपनी जिंदगी में या स्मोकिंग तो नहीं? बिल्कुल नहीं जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की लेडीज? हां मैं नहीं था स्मोकर, ना ही वो मेरी वाइफ भी स्मोकर नहीं थी, नेवर स्मोक्ड एक्चुअली. अच्छा एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सेकेंडली आपकी उन्होंने बताया 46 एज है उनकी. तो आप ये बताइए कि आपके कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है, वो कोई चेक? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल एवरीथिंग एल्स इज फाइन. अच्छा और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं लेते हैं आप? नो. ओके तो देखें ये जो और डायबिटिक भी नहीं है आप? नहीं. अच्छा इसमें फिर ये हो सकता है कि कुछ चंद एक डिजीजेस जो है हमारी वेसल्स की होती हैं, इनमें से एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, एक बर्जेस डिजीज होती है. कुछ ये बड़े रेयर किस्म की कंडीशंस हैं जिसमें जो हमारी जो जो माइक्रोवेस्कुलर हमारा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, बड़ी आर्टरीज और वेन्स तो अपनी जगह पे, तो ये आर्टीरियल प्रॉब्लम होती है और उसमें फिर डायग्नोज करने के लिए कुछ बड़े स्पेसिफिक किस्म के टेस्ट किए जाते हैं. फिर आपके हार्ट का भी चेक करना बड़ा ज़रूरी है और फिर ये कि हम उसके लिए कुछ मेडिसिन भी तजवीज़ कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं. तो अच्छा. आपको फिर एक वैस्कुलर सर्जन जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फिर किसी स्टेज पे हम टांगों की और बाकी जो हमारी जो वैसल्स हैं उसको हम देख सकते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड के साथ देख सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बहुत रेयर कंडीशन है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है, ऐसी बिल्कुल मुझे कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है. लेकिन ये मैं आपको वार्न कर दूं कि अगर जो हमारी पेरिफ्रीज हैं इनमें ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाए तो फिर गैंग्रीन्स होने का खतरा होता है, जिस तरह डायबिटिक पेशेंट्स में होता है ना, जिस तरह बेचारे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनके कुछ टोज में या इस तरह फिंगर्स जो हैं वो उनकी लूज हो जाती हैं ना. तो वो फिर उस वो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई ख़तरा है क्योंकि डायबिटिक नहीं है आप. तो आपको चाहिए कि अपने GP से एक अच्छी सी डिस्कशन करें और फिर आप या तो एक वैस्कुलर सर्जन के पास रेफर हो और एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर हो ताकि फिर हम आपको बहुत स्पेसिफिक
जो आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक एडवाइस दे सके। चलिए, नहीं मेरा ख्याल है उनका कोई मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह अगर आप जाएं अब डॉक्टर के पास, उन्होंने जितनी आप एडवाइस दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नबील और वल्दीश, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपसे मिलेंगे फिर एक फोर्टनाइटली, लेकिन आपसे अभी हमारी मुलाकात रहेगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।